अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड एज पेंशन के लिए। अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिवोक हुआ है मॉडिफिकेशन या एडिशन के लिए, तो आप कैसे इसको एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप jansukam.jk.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे उसका मेन पेज ओपन हो जाता है, आप लॉगिन करेंगे जैसे आपने अप्लाई करते वक्त किया था, उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप चेक बुक्स पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पर 3 बार मेनू, इस पर आप क्लिक करेंगे और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर करना है। जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त आपको एक्नॉलेजमेंट जो मिला था उस पर आपको मिलेगा, तो उसको वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वेटिंग करंट स्टेटस, वेटिंग फॉर एप्लीकेंट्स रेस्पॉन्स, आपने इसी पर क्लिक करना है। तो आप फिर देखेंगे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू एडिट द एप्लीकेशन, क्लिक हियर, जहाँ पे आप क्लिक हियर शो हो रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए। तो उससे पहले आप रिमार्क्स भी चेक कर सकते हैं आपको एडिट करने की ज़रूरत क्यों है। तो थोड़ा आप नीचे आ जाएंगे तो आप रिमार्क्स में व्यू पर क्लिक करेंगे, तो फिर से आप ऊपर थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिमार्क्स बॉक्स में क्यों आपको क्या एडिट करने की ज़रूरत है, क्या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है या कोई या एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर लिखा होगा। या हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आप चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे एडिट करने की ज़रूरत है तो वो आप करेंगे, और उसके लास्ट में आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर दें और अटैच एनेक्सस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने ऑलरेडी एनेक्सस को अपलोड किया है, आप जो आपको नए सिरे से जो एनेक्सस या जो डॉक्यूमेंट आपको फिर से अपलोड करना है नए सिरे से, तो उसको आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को और नई फाइल्स को आप अपलोड करेंगे। जिस फाइल को आपने अपलोड करना है उस पर आप क्रॉस करेंगे और नई फाइल चूज़ करेंगे अपनी गैलरी या फाइल से। आप सभी फाइल्स को यहाँ रिमूव कर सकते हैं और सभी को नए सिरे से भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एनेक्सस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एनेक्सस लिस्ट मिलेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनका लिस्ट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, उसको आप PDF में रख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने पास रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।